स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई लोगों आज हम जाने वाले हैं अपने पुराने घर पर जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अभी इस सिटी के अंदर एक ऐसी हॉरर बिल्डिंग भी है जिसके ऊपर जाने के बाद में तो फ्रैंकलिन भैया को वो भूत पटक पटक के मारता है और खींच कर पता नहीं कहाँ पे लेके चला जाता है। तो भाई लोगों अभी मैं बिना पानी के भी तैरने लग गया हूँ। ये लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी है लेकिन ये ग्लिच बहुत मस्त ग्लिच है। चलो भाई लोगों तैरते तैरते ट्रेन के पास में चलते हैं और इस ट्रेन के अंदर बैठकर उसी सिटी के अंदर चलते हैं जहां पर हमारा पुराना घर है और कुछ पुराने दोस्त भी मिलने वाले हैं हमें वहां पे। चलो भाई लोगों चलते उस सिटी में। वैसे भाई हमारे यहां पे कभी रात नहीं होती है लेकिन वहां पे तो हमेशा रात ही रहती है। मैं अभी ट्रेन के अंदर बैठ जाता हूं और इसको लेके चलते हैं। भाई लोगों और कोई जाना चाहता है पुरानी सिटी में तो वो इस ट्रेन में बैठ सकता है। वैसे भाई इसको काफी ज्यादा स्पीड में चलाना पड़ेगा। और ये लड़की भाई ये लड़की मरने के लिए ट्रेन के अंदर आ रही है। नहीं नहीं भाई अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। वैसे भाई अभी इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाना पड़ेगा। वैसे ये ट्रेन भी उस सिटी तक नहीं जाती है, ये हमें बीच के अंदर यानी बीच रास्ते में उतारने वाली है। चलो भाई लोगों जहाँ पे भी उतारेगी सही है, इसको लेके चलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई लोगों बस ये ट्रेन यहीं तक जाती है और हमें यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा और फिर ये ट्रेन वापस से हमारी नई सिटी के अंदर चली जाएगी। हमें यहाँ से गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। वैसे भाई सब लोग पता नहीं उस पुरानी सिटी में जाने से इतना डरते क्यों है। भाई मैं तो जाऊँगा क्योंकि मेरा पुराना घर वहीं पे है और कुछ पुराने दोस्त भी है। भाई काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले हुए। वैसे ट्रेन भाई अपनी नई सिटी में वापस चली जाएगी यानी उसी जगह पर वापस चली जाएगी जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। चलो भाई लोगों चलते हैं। वैसे भाई यहाँ से काफ़ी दूर है भाई, यानी कम से कम 3-4 घंटे का ये रास्ता है। चलो लेट्स गो भाई। 3 hours later. तो भाई यो हम लोग आ चुके हैं अपनी पुरानी सिटी में और ये मेरा पुराना घर है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ज्यादा बड़ा है। वैसे भाई यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं मेरे को तो पता ही नहीं था। सच में भाई हमारी नई सिटी से ज्यादा लोग तो यहाँ पे रहते है। चलो भाई वो अंदर चलते और ये मेरी पुरानी बाइक ये भाई अभी भी भाई बिल्कुल नहीं लग रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया बहुत दिनों के बाद में आयो, मैंने तुम्हारे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, चाय से अंदर जाके देख लो। थैंक यू दीदी। चलो भाई लोगों अभी जल्दी से अपने पुराने घर में चलते हैं। भाई मेरे से तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। और ये कौन है भाई? ए भाई ये मेरा घर है, तू सीढ़ियों से ऊपर भी जा रहा है। नहीं नहीं बाहर निकल। अबे भाई कैसा बदतमीज लड़का है ये, ऐसे ही ऊपर जा रहा है, किसी के भी घर में घुस जाएगा। और ये देखो भाई लोयन की फोटो जो कि काफी ज्यादा पुरानी है। और ये एक और आदमी, भाई मैंने इस घर को क्या छोड़ दिया, इन लोगों ने तो कबाड़ खाना बना दिया। हर कोई आ रहा है मेरे घर के अंदर। और ये मेरा बेड, और ये बेड के अंदर क्या कर रहा है ये लड़का। ये भाई हम लोग कहाँ पे चले गए? भाई तुम सब बाहर निकाल जाओ, अभी मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। चलो भाई लोगों अभी बाहर चलती। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस सिटी के अंदर एक हॉरर बिल्डिंग भी है जिसके ऊपर बहुत ही डेंजर वाला भूत रहता है, उसी के पास में जाने वाला हूँ। वैसे क्या वो भूत अभी भी इतने सालों बाद में वहीं पे होगा? वैसे भाई हमारी बाइक काफी नहीं लग रही है भाई। अरे फ्रैंकलिन भैया तुम कहाँ पे जा रहे हो? कौन मैं तो अपने दोस्तों को हॉरर बिल्डिंग दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन वहाँ पे तो बहुत ज्यादा खतरा है। हाँ पता है मुझे, लेकिन भाई इस शहर के अंदर मैं आया हूँ और उस जगह पे ना जाऊँ भाई ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे भाई इस शहर का मौसम बहुत ज्यादा डरावना लगता है। आसमान है भाई इतने काले काले बादल और मेरे घर पे सबसे ज्यादा ब्लैक वाले बादल है। ये भाई मेरे घर पे इतने सारे काले बादल क्यों है? चलो भाई लोगों इन सब को छोड़ो भाई, हम लोग तो उसी बिल्डिंग पे जाकर आराम करने वाले हैं। वैसे भाई वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, तभी भाई मैं उस बिल्डिंग पे जाता हूँ। वैसे उस बिल्डिंग पे भाई गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तो शायद वो भूत भी चला गया होगा। और भाई यो आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से लाइक कर दो भाई, अपने हाथ को उठाओ और लाइक वाले बटन पे दबा दो भाई, जल्दी से दबा दो। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, जल्दी जल्दी कर लो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास में आए। वैसे भाई ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पे सड़क भी बना के रखी है। वैसे भाई क्या सच में इस बिल्डिंग के ऊपर एक भूत रहता है? अगर वो सच में होगा ना भाई तो वो हमें बिल्डिंग से सीधे नीचे फेंक देगा, यानी हमें नीचे गिरा देगा और हमारा फ्रैंकलिन भैया मर जाएगा। वैसे भाई अभी मेरे को थोड़ा बहुत डर भी लगने लग गया है। वैसे हम लोग ऊपर तो पहुँचे ना भाई, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत होती है, वैसे मौत भी होती है भाई, डरना जरूरी भी होता है। वैसे भाई ये हमारे लिए चैलेंज है, अभी शायद हम लोग ऊपर पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं भाई, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। ये भाई हम लोग पहुँच चुके हैं इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से पे, बस हम लोग नीचे ना गिर जाए। वैसे भाई भूत दिखता थोड़ी है भाई, वो तो बिना देखे ही मारना चालू कर देता है। हम लोग यहाँ से जंप भी करा सकते हैं, वो देखो भाई जंप कराने के लिए यहाँ पे कुछ लगा रखा है इन लोगों ने। अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं। ओ नहीं भाई मेरे को आसमान में नहीं जाना। अरे नहीं 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 भाई, भाई ये क्या हो रहा है हमारे फ्रैंकलिन भैया के साथ में?
ये तो तड़पने लग गया भाई। ऐसा लग रहा है कि कोई इसके पैरों को खींच रहा है और इस बिल्डिंग से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं भाई, यहाँ पे सच में कोई तो है भाई। अब ये ग्लिच है या फिर सच में इस बिल्डिंग के ऊपर कोई भूत रहता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, रो रहा है। यार मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, उसने बताया था कि यहाँ पे बहुत खतरा है। तो भाइयों, आप लोग भी अगर यानी ये ओल्ड वर्जन खेलना चाहते हो तो कमेंट में भाई ज़रूर बताना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।